नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे भीख मांगने आया हूँ। एक ऐसी भीख इस बच्चे की जान की खातिर है। इस वीडियो को पहले मुझ पे बोला भी नहीं जा रहा है दोस्तों। आज मैं जब इस घर में आया तो मेरे आंसू रुक नहीं रहे हैं। आप देख रहे होंगे मेरी आवाज कैसी आ रही है। इस बच्चे की खातिर इस वीडियो को इतना शेयर कर देना कि इस बच्चे की जान बच सके। दोस्तों, इस बच्चे को आप जानते तो होंगे कि इस बच्चे को एक ऐसी घातक बीमारी है जिसके लिए 18 करोड़ रुपए चाहिए। बहन जी से आपकी बात कराऊंगा और बच्चे से आपकी बात कराऊंगा और भैया से भी आपकी बात कराऊंगा। दोस्तों, अगर थोड़ी सी भी इंसानियत है आपको, अगर आपके घर में ऐसा बालक है तो उसकी कसम मैं आपको दे रहा हूं, इस वीडियो को इतना शेयर कर देना ताकि ये वीडियो मोदी जी तक, एक हरेक अधिकारी तक पहुंच सके, भारत के जितने भी नागरिक है उन तक ये वीडियो पहुंच सके। आपकी बात कराता हूं। भैया जी, आपका क्या नाम है? कपिल वैष्णव में। तो भैया जी, क्या बीमारी है इसको? बच्चे को एसएमए टाइप 2। एसएमए? तो इसमें कितना खर्चा चाहिए? इसमें 18 करोड़ रुपए का खर्च बताया। 18 करोड़ रुपए का खर्च बताया। दोस्तों, देख सकते हैं कितना प्यारा बालक है। इनके रो रो कर आंसू सूख चुके हैं। दोस्तों, आप हालत देख रहे होंगे ना, इन पर खड़ा हो जाता, कभी चक्कर खाकर गिर जाते हैं। भैया, मैं आपको बताऊं, अभी मैं देख रहा था, अभी यहाँ पर गिर गए थे। और यहाँ पर बहन जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नीता। बहन जी, इनको क्या बीमारी है? एसएमए टाइप 2, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। अच्छा, तो कितने करोड़ का खर्चा है इसमें? 18 करोड़ के करीब डॉक्टरों ने खर्चा बताया। 18 करोड़ रुपए का खर्चा बताया। दोस्तों, ये बच्चा खड़ा नहीं हो पाया। बहन जी, एक बार खड़ा होकर दिखाइए, एक बार इसको खड़ा करके दिखाइए। देखिए दोस्तों, बच्चा खड़ा नहीं हो पाया पाता। बस हमारे पास 3 महीने बचे हैं। दोस्तों, अगर इस बच्चे की खातिर आपने वीडियो शेयर नहीं की तो हमारे ऊपर धिक्कार है। देखिए दोस्तों, ये बच्चा खड़ा नहीं हो पाता है, कोई भी अंग काम नहीं कर पाता है। अगर आपके घर में बालक है ऐसा तो उसकी कसम मैं दे रहा हूँ, इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि ये सरकार तक जा सके और इनकी मदद कीजिए जितनी हो सके। अगर आप इनके लिए 10-10, 100-100, 1-1 हजार रुपए भी भेजोगे अपनी मेहनत की कमाई में से, तो इनकी मदद हो जाएगी। कमल भैया दिन रात लगे हुए, मैं आपको बता दूं, ये इनके पड़ोसी हैं। क्या नाम भैया जी आपका? भैया मेरा नाम कमल तावर है जी। ये कौन सी जगह है जहाँ पर ये बच्चा है? भैया ये नोएडा में बरौला गांव के पास है जी। भैया बरौला गांव में बच्चा रहता है, इसका नाम रुद्राक्ष है जी। इसको भैया ऐसी बीमारी है जिसका इलाज हमारे हिंदुस्तान में नहीं है। एसएमए टाइप 2 है इसको, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी जी। भैया इस बीमारी का इलाज हमारे हिंदुस्तान में नहीं है। 18 करोड़ रुपए की वैक्सीन से भैया ये बच्चा ठीक हो सकता है। अच्छा भैया, हम दर दर भटक रहे हैं इस बच्चे की मदद के लिए, मगर कोई नेता, कोई एक्टर, कोई आगे नहीं आ रहा। भैया इस बच्चे की मदद नहीं हो रही। 18 कोई भी आगे नहीं आ रहा है। दोस्तों, दर दर की ठोकर है। 2 साल, कितने साल हो गए भैया जी आपको डोलते डोलते? 2 साल हो चुके। एक भी ऐसा दफ्तर नहीं छोड़ा सरकार का, एक भी ऐसा एक्टर नहीं छोड़ा जिससे इन लोगों ने गुहार नहीं लगाई हो। मैं आपको कसम दे रहा हूँ दोस्तों, आपसे निवेदन कर रहा हूँ, मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ। मैंने आज तक आपसे कभी भीख नहीं मांगी कि मुझे 1 रुपया दो या 2 रुपया दो। मैं इनका अकाउंट नंबर कमेंट बॉक्स में दूंगा, इनकी हेल्प कीजिए, जितना हो सके हेल्प कीजिए। भैया जी, अब तक कितनी हेल्प हो चुकी है इनकी? भैया अब तक 45 लाख रुपए हो चुके हैं भाई। दोस्तों, अभी तक 45 लाख रुपए हो चुके। कोई कंपनी वाले मेरी वीडियो देख रहे हैं, कोई अधिकारी मेरा वीडियो देख रहा है, योगी आदित्यनाथ जी मेरी वीडियो देख रहे हैं, मोदी जी इस वीडियो को देख रहे हो, तो इस बच्चे की खातिर इस वीडियो को शेयर कीजिए और इनकी हेल्प कीजिए दोस्तों, जितना हो सके। मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ दोस्तों, इस माता की खातिर, इस बहन की खातिर, इस बच्चे देखिए कितना प्यारा बच्चा, देखिए मुझे भी देखो ये कोई भी अन्य काम नहीं कर पाता इसका। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा, इस बच्चे की खातिर। इस पे काम नहीं हो पाता दोस्तों। देखिए इस बच्चे के पास 3 महीने, अगर 3 महीने में इसको वैक्सीन नहीं लगी तो इसकी जान खातिर नहीं बच पाएगी। मैं आपको बताऊं दोस्तों, इस वीडियो को जितना हो सके, कोई अधिकारी हमारी वीडियो देख रहा हो तो इस बच्चे की जितनी हो सके मदद कीजिए। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे इनकी आंखों में आंसू नहीं, ये देख सकते हैं इनकी आंखें सूख चुकी है भैया, पकड़िएगा, इनकी आंखें सूख चुकी है, रो रो कर इतना बुरा हाल है। मुझे यहाँ पर आया तो मुझे रहा नहीं का, मेरा शरीर पूरा कपकपा रहा। मैं आज तक किसी वीडियो में नहीं रोया, पर इनकी खातिर में रो रहा हूँ। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर की, मैं आपको नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। इस ब्राह्मण बच्चा की प्रकार सुनिए, मैं मथुरा से आया हूँ, 200-250 किलोमीटर चलकर आया हूँ। इन बहन की खाद देखिए यार, कितना दुख है इनके जीवन में। 2 साल से सोए भी नहीं है दोस्तों, ये 2 साल से भी नहीं सोए, इनकी बात कर दूं। भैया जी 2 साल से हो गए, आप बता रहे थे मुझे, रो रो कर बता रहे थे कि, अब बताइए कि कितने दिन हो गए आपको भैया जी? मुझे 2 साल हो गए, नींद नहीं आती। 2 साल से नींद नहीं आती, ये आंखें देख लीजिए दोस्तों। अगर आपको इन आंखों पर विश्वास ना हो, देख सकते हैं इन आंखों में आंसू भी सूख चुके हैं। बहन जी के भी आंसू सूख चुके हैं, भैया जी के भी आंसू सूख चुके हैं। मैं इस बच्चे की खातिर आपको एक बार लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, इस वीडियो को इतना शेयर कर देना ताकि सरकार जग सके। भैया जी, कौन सी जगह पर रहते हो आप? मैं
मैं नोएडा बरौला गांव में रहता हूँ। नोएडा बरौला गांव में रहते। दोस्तों आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिएगा, इस बच्चे की खातिर, इस भैया की खातिर दिन रात लगे हुए दोस्तों इस बच्चे की खातिर। बेटा रुद्र एक बार शेयर करने की बोल दो बेटा, एक बार रुद्राक्ष बता दो, एक बार बोल दो इस वीडियो को शेयर कर दो मेरे लिए। अगर दोस्तों आपने अगर अब भी ये वीडियो शेयर नहीं की तो नरक के भोगी होंगे आप। दोस्तों याद रखना, इस बच्चे की आपने जान नहीं बचाई तो ये आप नरक के भोगी होंगे, इंसानियत नहीं होगी आपके दिल में। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। सभी को जय श्री कृष्णा और मेरा नमस्कार।